हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे थे, जो आप लोग नए यूट्यूबर होते हैं कई मिस्टेकें करते हैं, तो जिनमें से तीन मिस्टेक आप लोग के जो है कि खास हैं। तो आप लोग को जो मैं आप लोग को तीन मिस्टेक बताने जा रहा हूं, तो न्यू यूट्यूबर ये मिस्टेक करते हैं, तो ये सब करना छोड़ दे, आप लोग का चैनल ठीक से चलने लगेगा और आप लोग ऐसा करके अपने चैनल को आगे ले जा सकते हैं और अपने वीडियो को वायरल और अपने कंटेंट को अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल एंड तक वॉच करिएगा और चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए यूट्यूब के रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो है कि आप सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर हाइड कर दिया करिए। बहुत लोग हाइड कर चुके हैं, ठीक है, जो नहीं करने पाते तो आपको मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसे हाइड करना है। तो चलिए अपने पीसी में चलते हैं, तो कैसे आपको हाइड करना है आपको मोबाइल में भी आपको दिखा दूंगा, तो किस तरह से हाइड करना है चलिए अपने मोबाइल में ही चलते हैं। पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, यहाँ पर youtube.com सर्च करेंगे। सब्सक्राइब हाइड करने का फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो नए यूट्यूबर रहते हैं लोग उनके जो सब्सक्राइबर कम देखते तो उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसे आप अपने सब्सक्राइबर हाइड करके अपने जो है कि चैनल पे सब्सक्राइबर ला सकते हैं और आपका जो है कि सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। यदि आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आप अपना जो है कि नॉर्मल कर सकते हैं, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद तो शो कर सकते हैं। ऐसे हाइड करके रखने से आपको ही फ़ायदा होगा, तो आप अपना सब्सक्राइबर पर हाइड करके ही रखिए शुरू में। और देखिए अभी यूट्यूब आपका यदि डेस्कटॉप मोड में नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप 3 डॉट ऊपर में क्लिक करके ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो है कि जो यहाँ पे आपको फिर चैनल आर्ट पे आना है और फिर इसके बाद क्रिएटर स्टूडियो पे यहाँ पे दिख जाएगा, क्रिएटर स्टूडियो उस पर क्लिक कर देना है। तो नए यूट्यूबर अपना सब्सक्राइबर हाइड करके रखने से उनको फ़ायदा होता है और हाइड करके ही रखना चाहिए। और शुरू में वीडियो आप शॉर्ट बनाएं, 3 मिनट से 4 मिनट तक का, उससे ज़्यादा ना बनाएं। और यहाँ पर देखिए नीचे सेटिंग ऑप्शन दिख रहा था, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके चैनल वाले ऑप्शन में आके आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिख जाएगा सब्सक्राइबर काउंट, इसे आप अनटिक कर दें। अनटिक करने के बाद सेव कर दें, इसके बाद आपका जो है हो जाएगा। और अपना वीडियो को शॉर्ट 3 मिनट 4 मिनट का ही बनाइए और उसमें फुल जानकारी दीजिए। चलिए अपने वीडियो, इसके बाद एक और मिस्टेक आप लोग करते हैं जो कि अपने वीडियो को अच्छे से शेयर नहीं करते। आप लोग अलग अलग जैसे कि जगह पे शेयर किया करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप है यूट्यूब, तो वहाँ पे आप अपने वीडियो को शेयर करें। आप अपने कैटेगरी वाले बंदे को ही शेयर करें, क्योंकि वो लोग ही आपके वीडियो को वॉच करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे वो आपके वीडियो को आधा छोड़ के चल जाएंगे, तो आपका वीडियो का जो है कि ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिलेगा। इसके वजह से यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा इस वीडियो में कोई दम नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये वीडियो नहीं चल पाएगा आपका। तो आप ये मिस्टेक भी जैसे कि मत करिएगा। आप लोग के जो कैटेगरी के लोग हैं, आप अपने फैमिली में जितनी सारी मोबाइल है उससे अपने वीडियो को पहले वॉच करके लाइक कर दिया करिए, उसके बाद आपका वीडियो ठीक आपका जो है कि रैंकिंग करेगा और आपका वीडियो को फुल वॉच टाइम मिलेगा, आपका वीडियो चलने लगेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा टिप्स। और फिर उसके बाद आपको थर्ड टिप्स के बता रहे हैं बारे में, आप अपना जो है टाइटल और थंबनेल अट्रैक्टिव करके रखिए और अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और कंटेंट अच्छा बनाएंगे तो आपके वीडियो खुद लोग देखना पसंद करेंगे और अच्छा लगेगा, लोग खुद ही लाइक करेंगे, खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। आपको वीडियो में एक ही बात को बार बार नहीं बोलना है, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ये सब बोलने से आपका जो है ऑडियंस बोर हो जाता है और ऑडियंस जो है कि पब्लिक आपको देखना बंद कर देता है, तो अच्छा नहीं लगता है। सब आप लोग सीधे कंटेंट पे आ जाया करिए, सीधे अपने जो टॉपिक है उस पे बात किया करिए। और अपना नाम साम ये सब बताने के लिए आपको अभी नहीं, जब आपका चैनल बड़ा होगा तो आप अपने नाम अपना सब जो कुछ बताना है बताइएगा। शुरू में ये सब मिस्टेक मत करिए, आपका चैनल देखिए ठीक बे ठीक ग्रो होने लगेगा और ये सब आप करना छोड़ देंगे तो आपका चैनल चलने लगेगा। टॉपिक और कंटेंट पर बात किया करिए, और कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट अच्छा बनाइए, कंटेंट में दम रहना चाहिए, तो अपने कंटेंट पे ही आप फोकस करिए अच्छे से। एक दो दिन में, 2 दिन में 3 दिन में वीडियो बनाइए, 4 दिन 5 दिन पे बनाइए, लेकिन आप कंटेंट अच्छा लेके आइए। कंटेंट अच्छा लेके आएंगे वो आपका वीडियो वायरल होगा, अच्छा लगेगा लोगों को और आपका वीडियो चलेगा। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं और अपने कंटेंट पे ध्यान करिए और अपना कंटेंट अच्छा से लाइए, अपने कंटेंट पे मेहनत करिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने कंटेंट को अच्छा बना के रखेंगे तो आपका चैनल खुद चलेगा और लोगों को अच्छा लगे तो खुद ही आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और अब मैं आप लोग के लिए एक बड़ा सा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और उसमें मैं छोटे यूट्यूबर के लिए हेल्प कर रहा हूँ और आप लोग भी वहाँ पर हेल्प करिए सब लोगों का।
आप एक दूसरे का हेल्प करके अपने चैनल को आगे ले जा सकते हैं, और इस तरह से आप अपना वीडियो भी आप लोग को सब वहाँ पर देखेंगे, वॉच भी करेंगे, अच्छे लोग हैं। तो आप लोग के लिए फिर से मैं कुछ अच्छा कंटेंट लाऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।